173वां सर्ग। जैसे चित्त का भी देहादि जड़ पदार्थों में अहंता का आग्रह है और जैसे उसकी सर्वात्मकता है उसका प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन् यदि स्वप्रकाश चित्त का चमत्कार ही जगत है तो तुल्य होने के कारण चित्त का सब जगह अहंताग्रह उचित है। फिर सर्वानुभव रूप सर्वात्मक असीम आत्मतत्व का देह में ही ये अहंताग्रह है, अन्यत्र नहीं, यह नियम कैसे? ये पहला प्रश्न हुआ। इसी तरह चित्त का अचिद्रूप पाषाण काष्ठ आदि के भाव में आग्रह कैसे? क्योंकि चिदभाव का त्याग नहीं किया जा सकता और अचिद्रूप का स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये दूसरा प्रश्न है। इसी प्रकार चित्त ही सर्वात्मक है, ऐसी अवस्था में ये पाषाण काष्ठ आदि अचिद्रव नास्तित्व को असत्ता के कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि चित्त का अपलाप किया नहीं जा सकता, ये तीसरा प्रश्न है। इसी प्रकार सर्वात्मक चित्त विपरीत अचिद्रूप पाषाण काष्ठ आदि के कैसे, जिससे कि वह सर्वात्मक हो, ये चौथा प्रश्न है। सारे शरीर ही शरीर की अहंता से प्रतीति तुल्य होने पर हाथ में ही हस्तत्वम भाव है, पैर में ही पादत्वम भाव है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार जाति कर्म स्थान आदि का जैसे व्यवस्था ग्रह अनादि तत्तदाकार संस्कार की व्यवस्था से ही है, उसका अन्य कोई हेतु नहीं है, वैसे ही देह में देहत्वहमता में आग्रह समझना चाहिए। इस आशय से विविध दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वक पहले प्रश्न दो प्रश्नों का समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, सकल देह ही अहमता से प्रसिद्ध समान होने पर भी जैसे देही का हस्त में ही हस्तत्वम भाव में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा चित्त का देह में अहम भाव है में आग्रह है। जैसे वृक्ष का पत्र में ही पत्रत्वाहमता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा चित्त का वृक्ष में अहम वृक्षात्मता में आग्रह है। जैसे आकाश का शून्य में शून्यता अहमता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा का द्रव्य में मणि मोती सुवर्ण आदि धन में द्रव्यता में प्रयत्न से उपार्जनीय रूप भव्यता में आग्रह है। जैसे स्वप्न भोक्ता का अरूप चित्त रूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अरूप होने योग्य स्वप्न नगर की साकारता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा का स्वप्न जागृत आदि तीनों अवस्थाओं की साकारता में आग्रह है। पर्वत राज में नगर में विद्यमान पत्थर वृक्ष जल आदि में वह ऐसा प्रसिद्ध आग्रह है, वैसे ही पर्वत आदि के अभिमानी सर्वात्मा का पर्वत्ता नगरता आदि में आग्रह है। अंतिम तीसरे और चौथे दो प्रश्नों का भी समाधान करते हैं। जैसे चेतन रूप से अभिमत शरीर का केश नख आदि में अचेतनत्व ग्रह है, वैसे ही चिद्रूप सर्वात्मा का भी काष्ठ पत्थर आदि में अचेतनत्व ग्रह है, चित्तत्व का त्याग नहीं कर सकती है तथा अचित्व तत्व का ग्रहण नहीं कर सकती। इस संशंका का मायागत आवरण और विक्षेप शक्ति से अघटित की घटना होने से परिहार करना चाहिए, यह भाव है। चित्त के चित्त विरुद्ध अचित्व की तरह निरवयव चित्त की सावयवता भी स्वप्न के अनुभव के बल से ही होती है, यह स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में चित्त से ही काष्ठ भाव पाषाण भाव आदि होते हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश की अवयव आदि रूपता होती है। माया सबल चेतन और अचेतन उभय स्वरूप एक वस्तु है, अतः उसमें चेतन और अचेतन उभय व्यवहार प्रवर्तता विरुद्ध नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जैसे पुरुष का नख केश जल आकाश धर्म वाला आकार वाला एक शरीर चेतन अचेतन दोनों रूप वाला है, वैसे ही सर्वात्मा का स्थावर जंगम रूप एक शरीर चेतन और अचेतन दोनों स्वरूप वाला है, किंतु वह नित्य निराकार है,
अतएवं तत्व ब्रह्म ज्ञान होने से सब विरुद्ध धर्म हट जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे ये स्वप्न है, जो स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया पदार्थ ब्रह्म शांत हो जाता है, वैसे ही सम्यक ज्ञानवान पुरुष का ये जगत ज्यों का त्यों शांत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने वाले पुरुष की जो प्रातः काल के समय प्रसिद्धि प्रबुद्धता है, वही प्रबुद्धता न दृष्टा है, न दृष्टा है, न दृश्यता है, किंतु वह सब मौन चिदात्मात्र चिन्मात्रता का सही है। ऐसा निश्चय करने में पूर्ण रूपेण सर्वमर्थ है। सागर में जल के भंवरों की तरह चिदाकाश में हजारों करोड़ों कल्पों तक वे ही यहाँ अन्य सृष्टिया आती है और जाती है। हजारों करोड़ों रूप से आए गए हुए अध्यासों से अधिष्ठान की एक रूपता की क्षति नहीं हो सकती। ये भाव है जैसे जल समुद्र में तरंग आदि में भासमान आवर्त बुद्धे आदि नाना स्वरूप बनता है, वैसे ही माया सबल चेतन अपने चेतन में सृष्टि आदि नाना संज्ञक करता है। अतत्वज्ञ जानता अतत्वज्ञ जनता के निश्चय के सिवा तत्वज्ञानी के प्रति ये यथास्थित विश्व सदा निर्विकार ब्रह्म ही है। यानी तत्वज्ञ इस संपूर्ण प्रपंच को निर्विकार ब्रह्म ही जानता है, मगर अज्ञानियों का निश्चय इससे विपरीत है। मैं तरंग नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्तिपूर्वक जिस तरंग ने समझ लिया फिर उसकी तरंगता कैसे रह सकती है। अचेतन में भी चेतनता के आरोप से ये कथन है, ये समझना चाहिए। क्योंकि जल की तरंगता के समान इस परम ब्रह्म की जगतता का भान है। अतः एवं तरंगत्व अतरंगत्व यानी तरंग के सदस्य जगता और अजगता ब्रह्म की दो शक्तियाँ हैं। श्री हे श्री रामचंद्र जी अपने वास्तविक रूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश का स्वप्न की तरह अनन्योय के धर्मों के आदान प्रदान से व्यत्यव्य चेतनता वाला मन की समष्टि से उपहित हो जो रूप है वह मन ब्रह्मा पितामह इत्यादि शब्दों से कहा गया है। इस तरह आदिम प्रजापति निराकार निर्विकार तथा चिन्मात्र स्वरूप संकल्प नगर के तुल्य कारण विहीन है। जिस स्वर्णमय अंगत्व नहीं है, स्वर्ण ही सत्य है, विकारभूत अंगत्व नहीं है, ये निश्चय पूर्वक जान लिया उसकी अंगत्ता कैसे हो सकती है। उसकी विशुद्ध स्वर्णता ही है। चिन्मात्र आकाश स्वरूप जन्मादि विकार विहीन परम ब्रह्म में अहम में त्वम तुम जगत इत्यादि संकल्प मात्र रूप जो भान हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। यानी समष्टि के चिन्मात्र रूप सिद्ध होने पर उसके व्यष्टि रूप हम लोगों का अनुक्त भी चिन्मात्रत्व स्वयं सिद्ध हो गया। ये भाव है चिदाकाश में जो शून्य तारूप चित्त के चमत्कार स्फुरित होते हैं वे ही ये सृष्टि प्रलय और स्थिति के ब्रह्म ज्ञान है। चिन्मात्र आकाश का स्वयं ही स्वप्न तुल्य चित्तता रूप जो निर्मल स्फुरण है वही पितामह ब्रह्म है। जैसे समुद्र में तरंग निरंतर उसी रूप से अपने पूर्वतन रूप से अथवा उसी से विलक्षण रूप से स्फूर्ता है, वैसे ही चिदाकाश में आदि और अंतरहित सृष्टि और प्रलय का विभ्रम भी निरंतर फूरता है। चिदाकाश का मनोहर स्फुरण विराट के नाम से प्रसिद्ध है। उस विराट का मनोरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भुवन भूत आदि रचेगा वह भी संकल्प नगरवत ही काल्पनिक होगा न कि सत्य। वह विराट ही सृष्टि है, वही स्वप्न है, स्वप्न ही जागृत व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन गया। जैसे धनी सुषुप्ति चिदा निंद्राद्यक रूप अंधकार से स्वप्न होती है, घनी सुषुप्ति निंद्रादिक रूप अंधकार से स्वप्न होती है, वैसे ही प्रलय में अविद्या रूपी अंधकार से आवृत आत्मा ही जगत रूप होता है। सकल जगत का विराट के अंग रूप से वर्णन करते हैं।
अवांतर प्रलय रूपी ब्रह्मा की रात्रि विराट रूपधारी परमात्मा के केश रूप से उदित है। दिन और रात्रि काल और क्रिया नाम की उसके शरीर की संध्या जोड़ है। अग्नि उसका मुंह है, धूलोक मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी उसके चरण है, चंद्र और सूर्य दो नेत्र है, दिशा है, कान है। इस तरह से मन की कल्पना ही विराट के आकार में आकार से परिपुष्ट हुई है। इस प्रकार भलीभांति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तृत आकृति वास्तव में शून्यात्मा एवं हमारे मनोरथ से कल्पित पर्वत के तुल्य विराट स्वप्न के आकार से स्थित है, वास्तव में नहीं। यह उसकी हमारे स्वप्न से तुल्यता ही सिद्ध हुई। यथा निष्प्रपंचता ही परमार्थ है, यह आश्रय है। जो चिदाकाश में चेतन स्वरूप जीव भाव को प्राप्त होकर स्वयं अत्यंत प्रदीप्त होता है, वही ये जगत है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप का आत्मा का ही अनुभव करता है। चारों ओर व्याप्त असीम चिन्मय आकाश का ही इस प्रकार पर्वत वृक्ष गज आदि रूप स्वरूप स्वभाव स्वप्न नगर तुल्य विराट के रूप से बान होता है। अथवा इस तरह निरीक्षण करने पर विराट रूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में प्राप्त हुआ नट अपने को ही अपने से अतिरिक्त नाट्य दर्शक समाज से भरा स्वप्न देश मानकर वहां पर अपना अभिन्न ही स्वयं ही देखता है, वैसे ही अनुभव करने वाला चिदात्मा ही अनुभव करस सत्य स्वरूप को भी माया के आवरण से असत सा बनाकर परिच्छिन्न प्रपंच रूप से देखता है। इस अर्थ में सकल वादियों के मत का विरोध है और इसी से सबके वांछित फल की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं वेदांतियों। यानी शुद्ध ब्रह्म परायण सर्वज्ञेश्वर परायणों और उपासना रिक्तो दिगंबरों सांख्यो योगियों और बद्धों को शांत त्रोंत्रिक वैभाषिक योगाचार और माध्यमिक चारों प्रकार के गुरुजन वेदव्यास अरिहंत जैन कपिल पतंजलि और बुद्ध एवं पशुपति या भैरव आगम शास्त्र विशेष के निर्माता वैष्णव हिरण्यगर्भ आदि आगम शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि द्वारा भलीभांति वर्णित अपने अपने आगम शास्त्रों में प्रतिपादित जो दृष्टिकोण है उसका रूप धारण कर हमारा अभिमत ब्रह्म ही तत्त्व वासना रूप उनके स्वरूप से स्फुरित हुआ है और उन वादियों के आत्मसंवित के अपने अपने निश्चय के अनुरूप स्वर्ग पारलौकिक सुख रूप और अलौकिक सुख सकल फल वह ब्रह्म ही बनता है, क्योंकि तदात्मक ही फल तत्त्व द्वारा वैसे वैसे हो यो आशा की जाती है। इस ब्रह्म की ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्योंकि माया सबल रूप ब्रह्म सर्वात्मक है। 173 वाक्य।